साथ नेहा परिहार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम नवरात्रि स्पेशल में। जैसा हम सब जानते हैं कि नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है और इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। और आज हम अपने इस कार्यक्रम में बात करेंगे नवरात्रि के 7वें दिन। नवरात्रि का 7वां दिन माँ कालरात्रि को समर्पित होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ दुर्गा के कालरात्रि रूप की पूजा करने से दुष्टों का अंत होता है। देवी माँ के इस रूप को साहस और वीरता का प्रतीक मानते हैं। चैत्र नवरात्रि के 7वें दिन माँ दुर्गा के कालरात्रि रूप की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा का सप्तम स्वरूप माँ कालरात्रि देवी का है। दुर्गा माँ की पूजा का 7वां दिन भी नवरात्रि के दिनों में बहुत महत्वपूर्ण होता है। सदैव शुभ फल देने के कारण माँ को शुभांकरी भी कहा जाता है। देवी कालरात्रि 3 नेत्रों वाली माता हैं। ये काले रंग और अपने विशाल बालों को फैलाए हुए 4 भुजाओं वाली दुर्गा माता है। माँ कालरात्रि का स्वरूप बहुत विकराल और अद्भुत है और माँ की सवारी गधा है, जो देवी कालरात्रि को लेकर इस संसार में बुराई का सर्वनाश कर रहा है। देवी कालरात्रि अपने हाथ में चक्र, गदा, तलवार, धनुष, पाशा और तर्जनी मुद्रा धारण किए हुए हैं और माथे पर माँ के चंद्रमा का मुकुट विराजमान है। माँ कालरात्रि की पूजा करने से काल का नाश होता है। माँ के इस स्वरूप को वीरता और साहस का प्रतीक माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि माँ कालरात्रि की पूजा से भक्त हमेशा भय मुक्त रहता है, उसे अग्नि, जल, शत्रु और आदि किसी का भी भय नहीं होता है। वहीं हिंदू मान्यताओं के अनुसार माँ दुर्गा ने दुष्टों का विनाश करने के लिए कालरात्रि रूप लिया था। हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। माता रानी की असीम कृपा आप सभी दर्शकों पे बनी रहे। जय माता रानी।